लाइक वो लव फीलिंग बताना चाह रहे हैं। हेलो गाइस, परमा अनुराग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए हैं भागमती मूवी का एक और सॉन्ग का रिएक्शन, जो है मंडारा सॉन्ग, जो कि अनुष्का शेट्टी जी का। और ये जो है जबरदस्त मूवी रहती भागमती, मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी रहती है, 2018 में ही आई थी। और इस मूवी को डायरेक्ट और लिखा है जी अशोक जी ने। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट तो उन्होंने 2012 में ही लिख ली थी। अच्छा, इतना टाइम। हाँ, लेकिन उन्होंने जब ये स्क्रिप्ट लिखी थी तो उन्होंने अनुष्का शेट्टी को दिमाग में रख के लिखा था। अच्छा, तो अनुष्का शेट्टी से जब वो अनुष्का शेट्टी को स्क्रिप्ट दिखाई तो उनको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। अच्छा, उनको अच्छी भी लगी वो, पर वो डेट्स नहीं देना चाहती क्योंकि उनके पास और बहुत मूवीज थी, साइज जीरो, बाहुबली 1-2, बड़ी बड़ी मूवीज उनकी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने अभी डेट्स कमिट नहीं की थी। तो उनके लिए वो 5 साल तक रुके। वो चाहते तो किसी और एक्ट्रेस को रख सकते, बट उनको ये था कि मैंने एक एक्ट्रेस को सोचा हुआ तो मेरे को यही चाहिए। तो 5 साल तक दूसरी उन्होंने मूवीज की और अनुष्का शेट्टी जी ने अपनी मूवीज की, लेकिन 5 साल बाद फाइनली किया कि हाँ भाई ये मूवी आपको ही करनी है। और फिर उन्होंने की, और फिर अनुष्का शेट्टी ने इस मूवी के लिए डेडिकेशन भी दिखाई। अच्छा। अनुष्का शेट्टी जी ने अपना वेट 20 किलो तक कम किया इसके लिए। अमेजिंग, पूरी डेडिकेशन दिखाया और पूरा फोकस दिखाया इस मूवी के लिए। और साथ साथ अनुष्का शेट्टी जी की ये बहुत अच्छी चीज है कि वो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बहुत करती है, जैसे साइज जीरो, अरुंधति, पंचाक्षरी। तो जैसे फीमेल लीड, जैसे हमारे बॉलीवुड में देखा जाए तो विद्या बालन जी हैं जो कहानी जैसी मूवी करती हैं, और मतलब सिंगल फीमेल होती है उसमें लीड होती है, तो वो ऐसी फिल्म करती है। एक फीमेल का वो अच्छा दिखाया जाता है जिसमें। और अब सॉन्ग के सिंगर की बात की जाए तो श्रेया घोषाल जी सुर सामरागी ने गाना गाया है, और इसके कंपोजर है SS थामा जी, वो एज यूजुअल महान कंपोजर है। और इसके साथ साथ इसके लिरिक्स लिखे हैं श्रीजो जी ने। श्रीजो जी को मेनली उनकी मूवी साहसम स्वासगा सागीपो, ये मूवी थी जिसका हमने सॉन्ग सुना था वेलीपोमा के, वो इनका ह्यूज हिट एल्बम था। जबरदस्त है, तो ये भी देखते हैं, ये भी जबरदस्त हो गया। आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आवाज अभी से दिल छूने लग गई है। लाइक वो लव फीलिंग बताना चाह रहे हैं। बहुत ही स्लो पिक्चराइजेशन है, एंड वो स्लो पिक्चराइजेशन शूट कर रही है दोनों को। एक अनुष्का शेट्टी का इतना लवेबल फेस है ना, तो उसके बाद उल्टा ये गाना और सूट कर रहा है। वाओ, ये छोटी सी स्माइल आ रही है ना गाने के बीच में, बहुत अमेजिंग लग रही है इनकी। आप लोग हमें ये मंडारा का मतलब जरूर बताना। अनुष्का शेट्टी है ही इतनी ब्यूटीफुल।
हर चीज उनमें सूट करती है। जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। वो रिपोर्टर है। अच्छा कितने स्वीट कपल लग रहे हैं। खुश तो ये भी बहुत हो रहे अंदर से। अरे शॉफ नहीं कर रहे इतना। बहुत प्योर लव दिखाया गया कि एक दूसरे की तरफ इतना देख नहीं रहे लेकिन दोनों को अपनी फीलिंग्स जाहिर करते जा रहे अंदर अंदर से। वो मैरिज हो रही है। ओ हाँ बहुत गलत टाइम पे खत्म किया। वो हमें देखना था आगे क्या हो रहा है। वो लग रहा था हाँ वो अगर शायद उनकी शादी होगी या ऐसा कुछ होगा या वो किस शादी में अटेंड करने का। हाँ ये भी हो सकता है पर शादी हो उनकी तो वैसा कुछ। लेकिन है ना उनके दोस्त है ना उनका सूट वूट सही कर रहे थे तो हो सकता है उन्हीं की शादी हो। तो वो हमें देखना था यार चले थे गाना थोड़ा उड़ता नहीं थे क्या होगा क्यों रोका इतना मस्त चला था। और बाकी गाना तो क्या जबरदस्त एकदम प्योरिटी वाला लव जो होता है ना वो ये है। लिटरली हमारा कुछ बोलने का मन नहीं करता ऐसा था कि बस बंद करो और सुनने दो कितना श्रेया घोषाल के आज मंडारा मंडारा मंडारा। तो वो इतना सूट कर रहा था ना कानों को मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ साथ है ना इसमें सिनेमेटोग्राफी उसका काइंड ऑफ चल रही थी कि है ना वो इसमें कुछ लीडर टाइप कुछ बने हुए हैं कि जैसे है ना उनके साथ में कुछ लोग हमेशा साथ में रह रहे हैं और जैसे वो उनसे मिलने आई थी तो है ना उनके आके साइन वगैरह करवाए वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनको जैसे स्टार्टिंग में दिखाया उनको पढ़ा रहे थे हीरो जो थे इसमें वो उनको पढ़ा रहे थे और फिर अनुष्का शेट्टी है उन सबको काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कुछ लीडर लग रहा है। अनुष्का शेट्टी सरपंच बनी हुई है एंड जो आए थे वो शायद रिपोर्टर है क्योंकि एक अगर वो देखी जाए तो उन्होंने उनके लिए रिपोर्ट लिखी थी जैसे वो न्यूज़ पेपर में न्यूज़पेपर में तो वो पढ़ के वो हंस रही थी और वो शायद रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी उनके बारे में। ये भी हो सकता है कि मतलब उन लोग अनुष्का शेट्टी और उनके साथ में वो रिपोर्ट लिखी हो किसी ने उन दोनों के बारे में लिखी हो। वो भी हो सकता है वॉइस ऑफ वॉइसनेस ऐसा काइंड ऑफ था उसका टाइटल तो हो सकता है उनके बारे में लिखी हो। हो सकता है पर ज्यादा उनकी केमिस्ट्री की बात है दोनों की इतनी अच्छी प्योर केमिस्ट्री लग रही थी ना कि वो उनसे इतना प्यार करती है लेकिन उनको इतना नहीं जता रही बहुत स्वीटली फूल रख के आ रही है इन चीजें कर रही है और साथ में वो भी इतना नहीं दिखा रहे लेकिन दोनों दूसरे बहुत प्यार करते हैं बहुत अच्छा था। मतलब एक अनटच लव टाइप होता है ना कि ना दोनों को पता है एक दूसरे की फीलिंग्स क्या है पर है ना मैं तो किसी के सामने एक्सप्रेस करना है जैसे नहीं कई के सॉन्ग्स देखते हैं अपने जैसे उन दोनों का किसी का डांस दिखा दिया मतलब जैसे स्लो सॉन्ग हुआ उसके अंदर भी साथ साथ में कुछ आ जाता है पर इनका काइंड ऑफ अलग ही था कि अलग अलग बस खुद के में चलते जा रहे हो बहुत मस्त लगा वो। और ऊपर से पिक्चराइजेशन भी इतना स्लोली किया गया था ना कि एक एक पे हाँ ध्यान जाता है अनुष्का शेट्टी की एक एक स्माइल पे वो यार वो जो एक एक कॉल पे बहुत बहुत ध्यान रहा। और वो अनुष्का शेट्टी इतनी सुंदर लगती है उनके ऊपर हर चीज जबरदस्त लग रही थी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है तो हम तो जरूर देखेंगे। आप बस हमें फटाफट सारे रिएक्शन बता दो हम देखेंगे और उसके बाद फिर मूवी देखेंगे। और ऐसी आप बताते आपको क्या क्या देखना है लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।